मैं एम्बिशु तो 10 दिन के लिए जा रही हूँ श्रीलंका में। डियर फ्रेंड्स लोग, काफ़ी लंबा समय के बाद मैं वापस आ गई हूँ। मेरा इस बार रोड ट्रिप नहीं है, मैं अभी अभी रोड ट्रिप कंप्लीट किया है लद्दाख कश्मीर को, कन्याकुमारी। वो ब्लॉग जो नहीं देखा है देखना, और अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो एडवेंचर पसंद करते हैं, नेचर लवर है, वो मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। इस बार मैं जा रही हूँ श्रीलंका। बहुत दिन बाद ट्रेन सफ़र कर रही हूँ। ट्रेन से मैं चेन्नई आ गई हूँ, चेन्नई रेलवे स्टेशन, वहाँ से मैं उतरी हूँ। उसके बाद देखो बहुत सुंदर एक डिनर किया है। डिनर करने के बाद मैं जाऊँगी एयरपोर्ट की तरफ। चलो, यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है, मनी चेंज किया है, श्रीलंका मनी लिया है। श्रीलंका में आ गई हूँ। ये देखो मेरा सब, ये केरला का है। चलो, इन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया है। मेरा जो ग्रुप है कोलकाता, वो लोग कल आएंगे, तो मैं ज्वाइन कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगा। सेम जगह पे जा रही हूँ, कोलंबो एयरपोर्ट छोड़ के हम लोग आ गए हैं थोड़ा आगे। जो स्टेडियम में गेम होगा, कंपटीशन होगा, ये स्टेडियम का नाम दियागामा स्टेडियम, दियागामा इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका। कोलंबो एयरपोर्ट से हम लोग जा रही हूँ दियागामा पे। ये है दिलसा रिसोर्ट। देखो देखो, ये गाड़ी से हम लोग आए हैं, यहाँ पर वेलकम ड्रिंक्स दे रहे हैं। दिलसा रिसोर्ट में हम लोग आ गए हैं। अंबा हेना, अमर हेरिना, अंबा हेना, अंबा हेरिना, अंबा हेना, ओके, मीना, मैंगो, मैंगो एग्रीकल्चर एरिया, लाइक एग्रीकल्चर एरिया। यहाँ से नारियल तोड़ा है नारियल, ये भैया अब नारियल पानी पी रही हूँ हम लोग श्रीलंका। ये जगह का नाम क्या बोलते? चलो, नारियल पानी, मैं पानी पी लिया है, अब ये सांस खा रही हूँ। कैसे नारियल तोड़ते हैं यहाँ पर? चलो देखो, नारियल तोड़ते हैं इसमें। ये दिलसा रिसोर्ट है। पर डे यहाँ पर इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट 1,000 देखो, स्पून्स के द्वारा ये नारियल को, ये देखो, मछली फिश ना, ये फिश है, फिश करी, मछली करी, हाँ, टूना फिश, पपाड्स और सलाद। चलो खाना खाऊंगी, ये फिश और दाल, पापड़ और राइस के साथ लंच श्रीलंका आके। चलो देखते हैं, फर्स्ट टाइम श्रीलंका आके आ रहे ना, श्रीलंका आके फर्स्ट टाइम खाना खा रही हूँ, राइस, टूना फिश, पापड़ और दाल, और कार्ड भी है। चेरी जैसा लग रहे है, लेकिन चेरी नहीं है। यहाँ पर केरल से है मेरे साथ जो बोले, केरल में इसका नाम है मला लालिका, ये खा सकते हैं, खट्टा है, मैं देखती हूँ टेस्ट करके कैसे है। ओनियन रेट है 390 रुपीस किलो। देखो श्रीलंका में क्या क्या सब्जी मिलते हैं, ये सब सब्जी मिलते हैं।
मेरा बंगाल में भी इंडिया पे भी ये मिलते हैं, ये देखो ये मेरा इंडिया पे भी मिलते हैं। श्रीलंका में एक शॉपिंग मॉल में हूँ, यहाँ पर क्या क्या वेजिटेबल्स मिलते हैं और इंडिया के साथ वेजिटेबल्स का सिमिलरिटी क्या है वो भी बताती हूँ। ये सब चीज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर है ये 120 क्यूकम्बर, और ये एप्पल, ये एप्पल ना ग्रीन एप्पल, और ये लेमन है। ये इंडिया पे भी मिलते हैं, पहली बार मैं खाऊंगी। ये देखो इडियाप्पा, ये डिनार का है, डिनार इडियाप्पा, यस इडियाप्पा। देखो फर्स्ट टाइम इडियाप्पा, ये नूडल्स जैसा है, खाके देखूंगी। सिलोंग गया कि ये फर्स्ट टाइम, ये साउथ इंडिया में खाते हैं, केरल में बहुत खाते हैं, लेकिन मेरा बंगाल पे तो मैंने नहीं देखा। चलो मिक्स वेजिटेबल करी है, ये देखो मिक्स वेजिटेबल करी, और ये कोकोनट सांबर, कोकोनट सांबर यस, थोड़ा ही लेना है कोकोनट। ये देखो ये कोकोनट सांबर, चलो देखते हैं खाके पहली बार लाइफ में इडियाप्पा मिक्स वेजिटेबल कोकोनट सांबर। दिल सा हॉलीडे रिसोर्ट में हूँ, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। यहाँ पर स्पून नहीं है, ये हाथ में ही खाते हैं। नाइस, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी है, हॉट है, मुझे हॉट बहुत पसंद है, तीखा है, अच्छा है, ओके। देखो ब्रेकफास्ट में एक करी वेजिटेबल्स के साथ, और ये डोसा और एक करी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हम शिलोंग का डिल्सा हॉलीडे रिसोर्ट में हूँ, यहाँ पर जो इंडियन है वो लोग सब साउथ से आए हैं, केरल से आए हैं, और ये देखो पीछे वाला जो नज़ारा है वो देखने में बिल्कुल, देखो पीछे वाला जो सीनिक ब्यूटी है वो देखने में पूरा साउथ इंडिया केरला जैसा लग रहा है। मैं थोड़ी महीने पहले केरला होके आई हूँ, देखो पीछे वाला नज़ारा पूरा केरला लग रहे है, लेकिन शिलोंग का में हूँ। शिलोंग और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर ही है, खेती है, यहाँ का राइस बहुत सुंदर है, यहाँ का मेन फूड राइस ही है, राइस और फिश खाते हैं बहुत, सी फिश खाते हैं। दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट श्रीलंका, ये रिसोर्ट में स्विमिंग पूल भी है, और देखो ये सिंगोली में लिखा हुआ है, शायद दिलसा रिसोर्ट ही होगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहे मुझे। देखो क्लीन कर रहे हैं ये स्विमिंग पूल, दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट। यहाँ पर एक फ्रूट्स है, शिलोंग कान फ्रूट्स, देखो ये बंगाली पे तो जलपाई कहते हैं, ओलिव जैसा लग रहे हैं। मैं ये फ्रूट्स लेके जाऊंगी, इसलिए फ्रूट्स लेने के लिए आई ये दिलसा रिसोर्ट में हूँ। देखो दिलसा रिसोर्ट में ये फ्रूट्स लेने के लिए आई हूँ, ये फ्रूट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा खट्टा। दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट में हूँ शिलोंका में, ये फ्रूट्स चेरी जैसा लग रहे हैं इंडिया का, लेकिन वो लोग चेरी नहीं बोल रहे, क्या सिंगोली लैंग्वेज में कुछ बोला था लेकिन मैं भूल गई हूँ क्या। तो देखो टेस्ट यह बहुत अच्छा लग रहा है, खट्टा है, खट्टा और नमक से अच्छा लगेगा। मैं लेके जाऊँगी, थोड़ा घर पर लेके जाऊँगी इसलिए ले रही हूँ। ये देखो यहाँ पर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर, ये शिलोंगकान लोकल फ्रूट्स है, ये शिलोंग का रिसोर्ट का
देखो मुझे ये कैरी बैग दिया है और बोल रहे हैं, मैं नीचे से ले रही हूँ, पेड़ से लेने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो नीचे से ले रही थी। देखो खट्टा है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गयान है, नाम बहुत सुंदर है गयान। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ शिलोंग का। शिलोंग का ये जो जगह है, ये रिसोर्ट का नाम है दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एल है, वो लोग के साथ ही मैं इधर आई हूँ। वो लोग ये पहले बुक किया था, तो मैंने जाऊंगी या वा दिव्यागमा डियागा वियागमा नो नो डियागमा डियागमा जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो स्टेडियम में जाऊंगी। लेकिन एयरपोर्ट में, चेन्नई एयरपोर्ट में मिल गया है, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, तो मैं बोल रही हूँ मुझे तो, मैं तो बुक नहीं किया है, तो वो लोग मुझे बोल रहे हैं जो केरला वाला, आप तो इंडिया नहीं हूँ ना, चलो हम लोग के साथ। तो मैं वो लोग के साथ इधर आ गई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का एटमोसफियर बहुत ही खूब सुंदर है। जो साइड सीन जो ऐसा लग रहा है ना, पूरा केरल में हूँ ऐसा लग रहा है, मैं इंडिया से बाहर हूँ ऐसा लग ही नहीं रहे है। तो यहाँ पर जो अकाल आई थी, हम लोग वेलकम ड्रिंक्स दिया था और मैंने ये नारियल पानी पीऊँगी ऐसा बोल रही थी, ग्रीन कोकोनट, तो ग्रीन कोकोनट मिला है, बहुत ही टेस्टी था। और आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, जाऊँगी डियागमा स्टेडियम पे, वहाँ पर मेरे कोलकाता से जो फ्रेंड्स लोग हैं वो आए, वो लोग आएंगे, वो लोग के साथ मिलेंगे। तो आज कल रात मैंने स्टे किया है यहाँ। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन फूड के साथ भी इंडिया का फूड, यहाँ का जो शिलोंग का जो फूड्स जो लेते हैं, वो फूड के साथ भी मेरा इंडिया का खाने के साथ सिमिलरिटी है, साउथ इंडिया के साथ तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। ऐसा लग रहा है मैं साउथ इंडिया बैठ के ही खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ कल हम लोग राइस खाया था, राइस फिश, यहाँ का मेन फूड राइस ही है। कोलंबो से जब निकले हैं तब थोड़ी 5 मिनट बाद ही ऐसा लग रहा है पूरा जंगल ही जंगल, पूरा टोटली जंगल लग रहा है। बहुत सुंदर है ये शिलोंग का, ग्रीनरी से भरा हुआ है, पेड़ से भरा हुआ है, ब्यूटीफुल शिलोंग का। आप लोग कभी आएंगे तो जरूर यहाँ पर एक दिन स्टे करना, दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट। यहाँ पर जो मैनेजर है गयान है, वो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, आप लोग को मदद भी करेंगे। और यहाँ का जो दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट है ना, बहुत सारी शिलोंग का जो लोकल फ्रूट्स है वो फ्रूट्स यहाँ पर है, मुझे खिलाया है, मैं थोड़ा लेके जाऊंगी। ये देखो नो फ्रूट्स, जैसे जलपाई कहते हैं, पाइन ऑलिव जैसा कुछ फ्रूट्स है और चेरी जैसा है, लेकिन खाने में थोड़ा खट्टा मीठा, मुझे बहुत पसंद आया है। मैं लेके जा रही हूँ वो फ्रूट्स, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स मैं लेके भी जाऊंगी थोड़ा, मुझे बहुत पसंद आया है। ये चेरी जैसा है लेकिन चेरी नहीं है, या लोकल नेम है, मुझे बोला था गया ने लेकिन मैं भूल गई, बट मैं भूल गई हूँ। ऐसा ही पेड़ है, खट्टा है। साउथ इंडिया का जो फ्रेंड्स लोग आए हैं वो लोग बोल रहे हैं बहुत मिलते हैं केरल में। ये देखो यहाँ पर 4 रूम्स है, एक रूम पे दो दो करके रह पाएंगे, बहुत ही स्मॉल है रूम लेकिन अच्छा है, कॉटेज है, वो फैमिली रह सकते हैं। दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट बहुत ही खूबसुंदर है, जो लोग फॉरेस्ट पसंद करते हैं वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए, 2 दिन रह सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आगे वो किचन है, मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, आगे किचन की तरफ मैं जा रही हूँ ये सैल लोग के साथ। केरला का है सब यूट्यूबर, यस। चलो बहुत हेल्पफुल है सब, सैल लोग मुझे हेल्प किया है, बोल रहे हैं इंडियन है ना हमारे साथ ही चलो, तो सैल लोग नहीं यहाँ पर हमको लेके आए हैं, बहुत ही हेल्प किया है। पीछे है गयान, मैनेजर है रिसोर्ट का। Come with me, I will show you more place. Yes. Sri Lanka, near to Homagumo town, a place called Abahena. It's like a village area near town. गयान मुझे गाइड कर रहे हैं। और how far distance from here to airport?
Airport. Maybe it's a Homaguma. It's a nearest town to 4.5 kilometers. 4.5 right? Or Colombo airport distance? Colombo to, Colombo to 25 like kilometers. 25 right? kilometers hai. यहाँ पर देखो नेचुरल जो पॉन्ड है ना ये पॉन्ड ये पॉन्ड्स वी आर डेवलपिंग दैट एरिया लाइक नेचुरल बाथ एंड फिश थेरेपी और फिजियोथेरेपी होते हैं यहाँ पर या कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ये पॉन्ड बंगाल में तो तालाब कहते हैं This is not clean. We are going to clean everything and develop to our customers. चलो पीछे जो सीनिक वीडियो है देखो पूरा केरला जैसा है लाइक केरला साउथ इंडिया और मेन फूड राइस यस केरला मेन फूड सॉरी श्रीलंका मेन फूड इज राइस राइस और फिश Rice, chicken, fish, and vegetables. Curries. Yes. Actually, main food is rice. Yes. No bread, roti. No. Bread roti is a. देखो यहाँ पर जो डिल्सा holiday resort में दो staff है. मैं snake देखा है. Snake के बारे में पूछ रही. एक snake देखा है. वो non poisonous है. तो श्रीलंका में अंकल जी क्या कहते हैं ये snake को गारंडिया. गारंडिया. गारंडिया कहते हैं. चलो पानी पिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्टाफ बहुत अच्छा है डिल्सा हॉलीडे रिसोर्ट का यहाँ पर एक लेमन है मैं ये ले रही हूँ लेमन पता नहीं है ये शायद खट्टा ही होगा देखते हैं बाप रे मुझे तो डर ही लग रहा है अभी अभी एक स्नेक देखा है ये देखो ये है एक लेमन ट्री ये लेमन लिया है देखते हैं खट्टा होगा बहुत ही खट्टा चलो आगे वाला नज़ारा देखो अच्छा लग रहा है दिलसा हॉलीडे रिसोर्ट का सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर है श्रीलंका यहाँ से डियागामा इंटरनेशनल स्टेडियम का डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर और यहाँ से एयरपोर्ट कोलंबो का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर श्रीलंकन बॉय है और ये शहर है केरला का है मैं कोलकाता से हूँ वेस्ट बंगाल तो देखो बॉय बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे एक ये लेके दे रहे हैं मैं दिखा रही हूँ लेमन है यहाँ का है लोकल ये ब्रदर नाम व्हाट इज पैनीदोरा श्रीलंका पैनीदोरा नारंग नारंग ये पैनीदोरा और ये श्रीलंका नारंग तो चलो और बहुत और भी फ्रूट लिया है श्रीलंका लोबी ये देखो ये फ्रूट्स है ये फ्रूट्स का नाम है लोबी देखो मैं बहुत सारा ये लोबी फ्रूट्स लिया है ये श्रीलंका फ्रूट्स लोबी देखो योर नेम सांद्रुवन सांद्रुवन चलो बहुत अच्छा नेम है एक दिन उन लोग के साथ बिताया है ये रिसोर्ट में रिसोर्ट का स्टाफ है का प्रिपरेशन चल रहे हैं मायो का फूड मायो का वेजिटेबल्स का प्रिपरेशन चल रहे हैं उसके बाद तो ये वेजिटेबल्स है श्रीलंका का एक वेजिटेबल्स ये रूट है एक्चुअली एक पेड़ का रूट है ये सिंगली में क्या कहते हैं व्हाट मायोका और तमिल में कप्पा लेकिन बंगाली में तो बंगाल में ये नहीं मिलते हैं इसलिए इसका नाम भी नहीं जानती हूँ मैं और बंगाली में लोग खाते भी नहीं है एक्चुअली बंगाली में ये होते नहीं है तो इसका नाम तमिल में कप्पा और सिंगली में मायोका का प्रिपरेशन चल रहे है ये अंकल ने बना रहे है बना रहा मायोका का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये अंकल ने मैं माउंटेन रॉक सुतोपा एमबी सुतोपा 10 डेज के लिए आई हूँ मैं श्रीलंका में
श्रीलंका वाला वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं माउंटेन ब्लॉग सुतोपा एमबी सुतोपा। मैं श्रीलंका का बहुत जगह घूम चुकी हूँ। ब्यूटीफुल श्रीलंका, बहुत ही खूबसूरत ये श्रीलंका, श्रीलंका में है। और एक राम और रावण का कहानी, वो भी जगह मैं घूम चुकी हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं वो सब वीडियो देखने के लिए माउंटेन ब्लॉग सुतोपा एमबी सुतोपा।